वेलकम टू ब्रेन वैली एकेडमी। आज जो हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं उसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। सबसे पहले आइए डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम में हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया है। कन्वेक्स लेंस के साथ साथ हमने उसका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ओ पे रखा है। उसके बाद ओ से जो रे ऑफ इंसिडेंस जा रही है वो फर्स्ट सरफेस ए को स्ट्राइक करेगी एट ए पॉइंट पे, राइट। उसके बाद वहाँ से रिफ्रैक्शन होते हुए हमारी फर्स्ट इमेज बन जाएगी आई डैश पे। नॉर्मल हमने क्रिएट किया हुआ है फेस ए पे एट पॉइंट ए विच इज एन वन टू सी वन, और दूसरे फेस पे जो नॉर्मल बनाया गया है वो एन टू से सी टू पे बनाया गया है। उसके अलावा हम ये मानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो पहले पे हमने माना है कि एन वन है, और दूसरी तरफ जो कि डेंसर मीडियम है उसका माना है N2। इसके अकॉर्डिंग अब हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के बाद जब हम उसके बारे में लिखेंगे तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारी जो इंसिडेंट रे जैसे ही स्ट्राइक करेगी फर्स्ट सरफेस पे, उस फर्स्ट सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्रैक्शन होगा एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में हम ये मान लेते हैं सपोज कि लेंस का सेकंड पोर्शन नहीं है, तो लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू की तरफ एंटर करेगी। तो इस कंडीशन में हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो आई डैश पे होगी। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने जो लेंस से लिया है उसको यू माना, और जो इमेज डिस्टेंस हमने लेंस से माना है फर्स्ट फेज से उसको वी डैश माना। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो कि हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, विच इज़ गिवन बाय एन टू अपॉन वी डैश माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन। आर वन हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट फेज के लिए। अब अगर आप समझ लीजिए कि जो आई डैश है उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण फेस बी पर जो पॉइंट स्ट्राइक करेगा इंसिडेंट रे बनते हुए वो एक इमेज बनाएगा आई सेम साइड में। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना जाएगा उसको वी डैश लिया जाएगा, और जो रियल इमेज फॉर्मेशन होगी फाइनली उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस वी टेक वी। अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फिर से डिफरेंसेस आया है, क्योंकि हम सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन मान रहे हैं और जो लाइट ट्रैवल करते हुए रिफ्रैक्ट हो रही है वो एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने दूसरा फॉर्मूला जो क्रिएट करना है उसको हम लिखेंगे एन वन अपॉन वी माइनस एन टू अपॉन वी डैश माइनस टी। टी हम यहाँ पे थिकनेस ऑफ लेंस ले रहे हैं, विच इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन आर टू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लेना है और प्रॉपर हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास जो ये दो इक्वेशन बनी हैं इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, और इसमें ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो t की वैल्यू है विच इज़ वेरी 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 स्मॉल देन v डैश, तो हम t को इग्नोर कर देते हैं। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बोथ द साइड बाई n1। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो बनेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। इस कंडीशन में एन टू अपॉन एन वन इज अप्रॉक्स इक्वल टू एन, सो विच इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो फाइनल इक्वेशन बिकम्स 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट 1 अपॉन आर वन माइनस
वन अपॉन आर टू। अब ये जो इक्वेशन आई है, अब हम कंडीशन ये मान लेते हैं सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है और उसकी जो इमेज बनेगी वो एट द फोकस बनेगी, तो उसके कारण हमारा जो रिएक्शन नया फॉर्मेशन बनेगा, जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। इस कंडीशन में हम इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो दोनों इक्वेशन में इक्वल है उनको हम हटा देते हैं और हमारी जो नई इक्वेशन बनती है वो बनती है 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो जो 1 अपॉन इन्फिनिटी है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इक्वेशन बन जाती है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, विच इज़ अ लेंस फॉर्मूला। थैंक यू।